रेफ्रिजरेटर या जो आपका एसी, इनके अंदर कंप्रेसर डालते हैं, और क्या प्रिंसिपल है इनका, ये ठंडी बॉडी में से हीट निकाल के गर्म में फेंकते हैं। गर्म में से ठंडा हीट को लेके आना क्या बड़ी बात है, बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है, आप घर के दरवाजे खोल दो, पर्दे खोल दो, हीट को आने दो, तो आपने क्या मशीन लगाई, कुछ भी नहीं, वो तो अपने आप ही ट्रेवल कर जाएगी गर्म से ठंडी। लेकिन आप क्या चाह रहे हो कि बाहर है 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अंदर है 30, 30 में भी हालत खराब है, और आप चाहते हो कि मेरा टेम्परेचर हो 18 रूम का, एसी ऑन करोगे, एसी क्या करेगा, ठंडे कमरे में से 30 डिग्री सेल्सियस में से हीट को निकाल के बाहर फेंक देगा 45 में, जो कि मशीन चाहिए ना, अपने आप थोड़ा होगा। यही तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा था, हीट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, गर्म से ठंडी तो नेचुरल है, ठंडी से गर्म करवानी है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, आपको वर्क डन बिजली की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में करना पड़ेगा, कंप्रेसर वर्क डन करता है। फ्रिज क्या चीज है, फ्रिज का टेम्परेचर तो वैसे ही बड़ा ठंडा होता है, नॉर्मल होता है, फ्रिज बंद हो जाता है हर तरफ से, तो बाहर 45 डिग्री सेल्सियस है, कमरे का टेम्परेचर 30 है, फ्रिज का तो अंदर 10 ही होगा, बंद पड़ा है, पर आपको तो ठंड चाहिए बिल्कुल, तो आप ऑन करेंगे फ्रिज, पूरा टाइम फ्रिज क्या करता है, सामान जो पड़ा हुआ है उसमें से हीट निकाल निकाल के कमरे में हीट फेंकता रहता है, तभी तो एसी के पीछे और फ्रिज के पीछे गर्मी होती है, एसी के पीछे बहुत हीट आती है क्योंकि वो हीट कमरे की निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। तो सोचो जो टेम्परेचर वैसे ही 45 है और दुनिया भर के एसी चल रहे हैं, तो टेम्परेचर वैसे भी और गर्म हो जाएगा, तभी तो गर्मी में और गर्मी हो जाएगी क्योंकि एसी की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक, तो अब फ्रिज का भी सेम है, फ्रिज क्या कर रहा है, पानी रखा आपने पूरा टाइम, पानी फ्रीजर में से रखा, तो पानी में से हीट निकालता रहेगा, बाहर फेंकता रहेगा, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आएगा, फिर स्टेट ऑफ मैटर चेंज भी कर देगा, बर्फ जम जाएगी, तो ठंडे में से गर्म टेम्परेचर पे हीट को बाहर फेंक रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो रेफ्रिजरेटर का क्या प्रिंसिपल है, या उल्टा कार्नोट इंजन है, इंजन क्या करता है, सोर्स में से हीट उठाता है, सिंक में फेंकता है, और वर्क डन करता है, हमें वर्क डन करके देता है हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेटर में सिंक का मतलब लो टेम्परेचर, ये मान लो आपका फ्रिज है, फ्रिज यानी कि सिंक है, इसमें आपने वाटर को रखा, पानी रखा ताकि ये आइस बन जाए, तो आप कोई भी चीज ठंडा करने के लिए फ्रिज में कहां रखते हो, सोर्स में नहीं रखते, किस में रखते हो, सिंक। रेफ्रिजरेटर ने क्या किया, Q2 हीट इसमें से उठाई, बना लो यहां Q2, Q2 हीट उठाई, पानी में से निकाली, अपने आप थोड़ा निकाल सकता है, आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी ने एनर्जी दी और Q2 हीट निकाली, और कंप्रेसर ने वर्क डन किया और Q1 अमाउंट ऑफ हीट को बाहर फेंक दिया, Q2 हीट उठाई और Q1 बाहर फेंक दी। अब ये अपने आप नहीं हो सकता, नेचुरल प्रोसेस तो है नहीं कि ठंडे से गर्म में अपना हीट जाएगी, तो इसके लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और कितना करना पड़ेगा, Q1 माइनस Q2। इंजन में ये वर्क डन हमें मिलता था, इसमें ये वर्क डन हमें करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, बिल्कुल उल्टे एरोज हो गए हैं। प्रोसेस में ठीक, बोलो क्या कह रहे हो, सर आपके पास क्लियर नहीं है, सिग्नल वीक हो गया थोड़ा सा। अब बेटर है, यस सर। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर उल्टा काम करेगा, Q2 हीट उठाएगा ठंडे बॉडी में से और Q1 सोर्स में फेंक देगा। सोर्स यहाँ पर क्या है, बाहर सराउंडिंग, जैसे फ्रिज के बाहर कमरा जो है वो सोर्स है, अब हायर टेम्परेचर बॉडी को सोर्स बोलते हैं। ठीक, तो इसके अंदर रेफ्रिजरेटर इज अ रिवर्स कार्नोट हीट इंजन, पहला पॉइंट है, इट विल एब्जॉर्ब, तो ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, क्या एब्जॉर्ब करेगा, Q2 हीट फ्रॉम सिंक, सिंक से Q2 हीट उठाएगा और इतना वर्क डन परफॉर्म करेगा, इतना वर्क डन हमें, सॉरी, इस पे परफॉर्म करना पड़ेगा बाय कंप्रेसर। तो इसके अंदर जैसे इंजन को, एक बढ़िया इंजन का मतलब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा, तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा बढ़िया इंजन होता है, तो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनमें एफिशिएंसी वर्ड यूज नहीं करते, उनमें क्या देखी जाती है, परफॉर्मेंस, तो क्या टर्म यूज करते हैं, कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा। तो अगर दो रेफ्रिजरेटर हैं, एक का बीटा ज्यादा है एक का कम है, तो जिसका बीटा ज्यादा है वो बढ़िया रेफ्रिजरेटर है, जिसका बीटा कम है वो थोड़ा वीक रेफ्रिजरेटर, अच्छा रेफ्रिजरेटर नहीं है।
बीटा होता क्या है? बीटा एफिशिएंसी जैसा ही होता है, मतलब एक बढ़िया रेफ्रिजरेटर क्या होगा, जो ज्यादा हीट निकालेगा पानी में से Q2, जितनी हीट Q2 निकालेगा उतना बढ़िया उसका बीटा होगा, और बिजली हमसे कम लेगा, W वर्कडन हमसे कम करवाएगा, तो W हमसे कम करवाएगा। सोचो अगर डिनोमिनेटर W कम है तो भी बीटा ज्यादा, Q2 ज्यादा तो भी बीटा ज्यादा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, Q2 डिवाइडेड बाय W। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो बीटा कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस है कि रेफ्रिजरेटर ने कितना काम किया, क्या काम किया, Q2 हीट को उठाया पानी में से, और हमसे कितनी इलेक्ट्रिसिटी ली, W, और W क्या होता है, Q1 माइनस Q2। एक काम करो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को Q2 से डिवाइड कर दो, तो ये रेशियो आ गई। अब किसी भी इंजन के लिए एफिशिएंसी के दो फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस Q2 बाई Q1 और T1 बाई T2, इक्वेट करके Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। तो यहां पर Q1 बाई Q2 की जगह T1 बाई T2 यूज करके कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस का दूसरा फॉर्मूला। तो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस के दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला Q2 बाई Q1 माइनस Q2, दूसरा फॉर्मूला T2 बाई T1 माइनस T2। दो फॉर्मूलास ये नोट कर लें।